नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। बिग बॉस ओटीटी फेम एक्ट्रेस उर्फी जावेद अपने बोल्ड अंदाज के लिए लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। उर्फी अतरंगी कपड़े पहनने के लिए जानी जाती हैं और वो आए दिन अजीबोगरीब कपड़े पहनकर किसी पब्लिक प्लेस में नजर आ जाती। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली उर्फी कई बार ऐसे कपड़ों में अपनी तस्वीरें और वीडियोस भी शेयर कर देती। हाल ही में उन्होंने साड़ी और रिप्ड ब्लाउज में अपना एक वीडियो शेयर किया। उर्फी जावेद का ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। वीडियो में उर्फी जावेद फिल्म पुष्पा के गाने तेरी नजर अशरफी पर दिलकश अदाएं दिखा रहे। उर्फी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन भी दिया है और लिखा, तेरी नजर उर्फी बर्फी। यूं तो उर्फी के इस वीडियो को लोगों ने खूब लाइक और शेयर किया। हालांकि उर्फी जावेद को ट्रोल करने वालों की भी कोई कमी नहीं। एक यूजर ने उर्फी को ट्रोल करते हुए लिखा, इतना पैसा हो के क्या फायदा जबकि कपड़े ढंग के ले ना पाए। वही एक और यूजर ने लिखा, पीछे का ड्रेस आगे पहन लिया दीदी ने। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, चल निकल छी। वही एक और यूजर ने लिखा, क्या क्या देखना पड़ रहा है, उसे कोई तो शो ऑफर कर दो। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, कितना एक्सपोज करोगी, तुम इतनी भी गरीब नहीं हो कि हर बार तुम्हें आधे कपड़े उतारने पड़ते हैं। तो देखा आपने, पुष्पा के गाने पर अपनी अदाएं दिखाना उर्फी जावेद को काफी भारी पड़ गया और लोग उन्हें ट्रोल कर रहे। वैसे ट्रोल होना अब उर्फी के लिए आम बात हो गई। सोशल मीडिया पर एक तबका उन्हें ट्रोल करने के लिए ही बैठा रहता है। हालांकि उर्फी खुद एक बातचीत के दौरान साफ कर चुकी हैं कि उन्हें ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि उर्फी जावेद बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा बनी थी, लेकिन पहले ही एविक्शन में उन्हें बाहर कर दिया गया। इसके बाद से वो लगातार ऐसे अतरंगी कपड़ों में नजर आती रहीं। उर्फी जावेद का नाम दिग्गज लिरिक्स राइटर जावेद अख्तर से भी जोड़ा जा चुका है, जिसके बाद अख्तर परिवार ने इस पर सफाई दी थी। दूसरी तरफ उर्फी भी कई बार बोल चुकी हैं कि वो जावेद अख्तर की पोती नहीं, और इस मामले पर वो अपनी सफाई दे चुके। खैर, फिलहाल आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि उर्फी को इस बात के लिए ट्रोल करना कहां तक ठीक है। उर्फी जी, क्या हाल है? मस्त मस्त। नाम है लेफ्ट। उर्फी जी सामने, नाम सामने रख दिया, सामने यार। हाँ जी। मैम लेफ्ट। मैं यहाँ पर ही रहेगा। रैम वो स्लोली स्लोली है। पब्लिक की मान सामने भी देखिए, रैम वो या लेफ्ट। हम सामने देखिए, सामने उर्मी हम या आई वोर अ सिमिलर टॉप इफ यू गाइज रिमेंबर, जिसपे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, तो मैंने उसी टॉप पे एक साड़ी डाल ली। दैट्स इट। और ये भी कहना चाहूंगा, गिविंग अ बोल्ड स्टेटमेंट और यू नो हैविंग दिस काइंड ऑफ अ फैशन सेंस, डज इट हेल्प आउट इन द लॉन्ग रन? आपको लगता है आपका? आई डोंट केयर इफ इट हेल्प्स, आई हैव नेवर थॉट दैट वेज। आई वेयर व्हाट आई वांट टू वेयर, लाइक व्हाई डू यू ईट बिकॉज यू वांट टू लिव, दिस इज हाउ आई एम। आई डोंट रियली, इतना सोचती होती ना मैं तो फिर तो प्लीज कहाँ ही होती। ओके, सो टुडे यू हैव केम, यू हैव ऑन अ फोटो शूट, सो यू वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट? ये तो रोज ही करवाती हूँ मैं, उसमें क्या हो गया? आज का स्पेशल है कुछ, नहीं
थीम नहीं, ऐसी कोई थीम नहीं है. मोस्टली इंडियन एंड साड़ीज आई एम डूइंग टुडे. एंड रिसेंटली व्हेन यू वेंट टू एयरपोर्ट वेयर यू वोर द टी-शर्ट अलॉट जावेद अख्तर ग्रैंडडैड, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट दैट वेंट वेरी वायरल. उस टी-शर्ट के बाद कुछ बोलने की जरूरत है? उस टी-शर्ट ने सब बोल दिया था. आफ्टर योर क्यूई राउंड देयर वाज वन गाय आस्किंग यू अबाउट इट द सेम क्वेश्चन व्हिच यू हैव रिपीटेड. मैं मर भी जाऊंगी तो शायद तब भी कोई ना वो एक बंदा तो पूछेगा मेरी कब्र पे कि अरे ये जावेद अख्तर की पोती की डेथ हो गई. So there are a lot of dumb people in this world. And I'm talking about the QE round. तो कोई ऐसा कोई question आया था जो आपने share नहीं किया पर बहुत weird था? You know how many people follow me? You know how many questions I get? Yeah, I know. You know how many of them are explicit? मैंने शायद लाखों share नहीं किए हैं because I can't. It's not allowed on Instagram. And और ये भी कहना चाहूँगा, एक ट्रोलर ने शिकायत करने की बात की तो do you fear anything in life? मैं आपकी personality को देखकर लगता है कि don't fear anything. आपने fear क्या? Fear लगता है आपको किसी ट्रोलर से? किस चीज से? कोई शिकायत मेरे अब्बा थोड़ी है, कोई मेरी सास है क्या? मुझे क्यों डर लगेगा रैंडम लोगों के कमेंट से? इंस्टाग्राम में हो गया 1920s की सास हो गई भाई, कोई ना कोई कुछ टॉन्ट करके चला ही जाता है, डर क्यों लगेगा मुझे? और क्या कुछ है पाइपलाइन में जैसे बात करो? मैं पहले भी पूछ चुका हूं बिसाइड बीइंग नॉट यार, मैंने अपने काम वाम का नहीं बताती. जब आएगा तुम लोग देख लोगे. अभी चार बातें बोल दूंगी कैंसिल हो जाएगा, मेरी बेइज्जती होगी. मैं कुछ नहीं बता रही, जब जैसे जैसे आएगा आप देख लोगे. बट यू वेयर द टॉकिंग पॉइंट ऑफ 2021. आई दैट्स गुड थिंग एंड आई होप टू बी द टॉकिंग व्हाटएवर ऑफ 2022, 3, 4, when till the time I'm alive. And what kind of benchmark do you want to set? I don't know, man. I'm just doing myself. Nothing. And Big Boss has extended to. यार Big Boss के questions कोई नहीं पूछेगा. बिल्कुल भी नहीं. I hate Big Boss. Yes, I hate. मुझे नहीं बुलाया ना दोबारा. मैं क्यों उनके free की publicity करूँ? मेरा हो गया. मैंने बहुत publicity कर दी. आप प्रतीक को काफी support कर रहे थे. हाँ, अच्छा लड़का है वो. और अभी बिग बॉस 2 हफ्ते एक्सटेंड भी हो गया, तो क्या लगता है आपको क्या कौन जीतेगा? अभी बहुत सारे शमिता शेट्टी के बारे में मैं अपना इलेक्शन तो बता नहीं पाई थी कि मैं एक हफ्ते में आउट हो जाऊंगी. मैं कौन होती बताने वाली? कौन जीतेगा? भानु बहुत बड़े स्टार है इंडिया के, उनका उनकी वाइफ का सेपरेशन हुआ है, मतलब डाइवोर्स हुआ 18 साल के बाद. और रामू जो है, रामगोपाल वर्मा ने कहा कि मैरिज जो है आज के जमाने में ज्यादा दिखती नहीं है और इस चीज से सबक लेना चाहिए यंगस्टर्स को. रिसेंटली देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज दिखती नहीं है बिकॉज वुमेन आर नॉट टेकिंग शिट फ्रॉम मेन. ओके, we are not ready to be in a domestic abusive relationship. Agar do log ki nahi banti hai, they should fucking move on instead of sticking together because society kya bolegi? Who the fuck is Ram Gopal Varma to speak in between Dhanush and his wife? Whatever. And do you think that was a nonsense comment? I just said that who the fuck is Ram Gopal Varma to speak on Dhanush and his wife? Would you like to add something about your upcoming project? अभी मैंने दो मिनट पहले बोला कि भाई जब मेरा प्रोजेक्ट आएगा आप देख लोगे. मैं नहीं बोलना चाहती, अब सेम क्वेश्चन रिपीट करो. चलो बाय बाय. थैंक यू. थैंक यू.